मैं क्या बोलूँ इसमें, अब मुझे नहीं मालूम कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मैं तुमने ही खुला रखे रहेंगे रात में केएफसी, तुमने ही निकाले थे। टेंशन से गाइस, मिसबा को मैं बोल के थक गया हूँ कि कारपेट अंदर रख ले और ये पूरा सामान अंदर रख ले। वो सिर्फ सबको फ़ोन करके यही बोल रही, अपनी अम्मी को भी यही बोल रही, मेरा कारपेट बहुत अच्छा है, मेरा ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। मैं 15 मिनट से मिसबा को उठा रहा हूँ, मिसबा मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी उठो, नहीं उठ रही है। तो अभी मैं उसके साथ करने वाला हूँ एक छोटा सा प्रैंक। अभी मैं क्या करूँगा, ये कारपेट जाके छुपा दूँगा। मैं बोलूँगा, मिसबा दरवाज़ा खुला था, कोई कारपेट चोरी करके लेके चले गया बेटा तुम्हारा। तो मैं देखता हूँ मिसबा का रिएक्शन क्या होता है। बस 2 मिनट के लिए करूँगा ये सब, क्योंकि मैं 15 मिनट से मिसबा को चिल्ला रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, 15 मिनट से कि मिसबा जल्दी आओ बाहर, नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाना है। मिसबा अपना है ना, तो देखते हैं मिसबा का रिएक्शन कैसा होता है। तो प्लान कर लिया हूँ छुपाने का, पर ये इतना हैवी है कि मैं से उठ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि दरवाज़ा खोलूँ और इन्हें हम बाहर ही जाके रख देता हूँ, है ना, कि इसको समझ में भी आएगा नहीं। तो मैं इसको उठाता हूँ, इसको बाहर जाके रख देता हूँ, इधर रख के। अरे कड़े हो जा रहा, तो भाई ये खड़ा भी नहीं हो रहा है। हाँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, अभी अंदर जाता हूँ मैं। स्टार्ट करता हूँ। मिसबा इधर आ, इधर जल्दी आ। अरे जल्दी आ, पैर के नीचे से आसमान निकल जाएगा तेरे। तेरा कारपेट गायब हो गया। अब भी मैं बाहर आके देखा, दरवाजा भी खुला है। मैं फटाफट अपना बैग चेक किया कि मेरे बैग में पैसा है कि नहीं, तेरा कारपेट नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, देख मैं पूरा घर ढूंढ लिया हूँ। मैं जब से आया देखो, इसे पहले वही देखा मैं कि तू 15 मिनट से मैं तेरे को आवाज दे रहा था ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो तू घर दरवाजा खोल के सो गई थी। मैं क्यों खोलूंगी दरवाजा भाई? तो बाद में कौन, सबसे पहला मैं सोया हूँ और तो कोई आया नहीं। और बाकी सामान? बाकी सामान क्या हो, देखो कोई इधर ही, ये तो इधर रखा हुआ है, ये इधर रखा है और वो ये देखो, ये वाला तो इधर रखा हुआ है। हाँ, कहाँ गया? तो तुम क्या कर रहे थे बाहर? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुमको? पागल औरत कसम, तो पागल ही हो गए हो तुम। मैं बोल रहा हूँ कि मैं देखा सामान तुम्हारा वही नहीं था, कारपेट। हाँ, तो दरवाजा खुला था? दरवाजा खुला, देखो उतना दरवाजा खुला ही है, अभी भी देखो खुला ही है। क्या बात कर रहे हो यार? क्या मैं क्या बोलूं अभी इसमें? अब मुझे नहीं मालूम कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तुम जरा जाके देख लो इधर अंदर बाहर, और तो नहीं रखे हो तुमने काम वाली से लगा के? नहीं यार, तो मुझे नहीं मालूम। और बोलो, मैं कारपेट अच्छा है लग गई नजर। अरे ये कैसी बात हो गई, मेरे को तो लग रहा है वैसे पूछ के आते हैं। मेरे को तो लग रहा है फोकट्स लोग आए रहे हैं, लेके गए रहेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कुछ। हाँ नहीं, वो तो मेरे को मालूम है, मेरे को ना सबका भरोसा नहीं है, जीशान का भरोसा नहीं है, जीशान कैसा भी कर सकता है। अरे कुछ भी क्या, सुनो चलो पूछ के आ रहे इम्तियाज भाई से। जा तू पूछ के, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे क्या, पहले ढूंढ तो लो। अरे मैं क्या ढूंढू अभी, तुम फौरन कैमरा चालू हो जाता अपना। कैमरा इसलिए चालू किया कि मैं देखना, मैं कंटेंट है। हाँ जाओ इधर, लिफ्ट से जाओ। हाँ नहीं तो पैदल तो तुम जाओगे नहीं, जाके आओ फटाफट, जाके आओ। मैं नहीं जाऊँगा। चलो बंद करो, चलो मेरे साथ। हाँ चाबी ले लिया भाई, चाबी ले लिया फटाफट, देख क्या करने का फटाफट, अभी देख कौन चोर है। यार टेंशन हो गई मुझे तो। हाँ कैमरा है क्या बिल्डिंग में? कैमरा होएगा ना बिल्डिंग में, लिफ्ट में कैमरा है तो बिल्डिंग में तो होएगा ही। तो हाँ जाके पूछ विचार भाई, फटाफट जा फटाफट पूछ। इम्तियाज भाई कोई कारपेट लेकर गया क्या? हाँ कोई भी नहीं लेकर गया ना उसका बड़ा वाला कारपेट, कोई चोरी नहीं करके गया? हाँ
इसका बड़ा वाला कारपेट जो हम लोग नया वाला लाए थे, इसका चोरी कर लिया किसी ने। हाँ हम इम्तियाज भाई भी देखे नहीं, अभी क्या करने गए? ढूंढो कैमरा, देख सकते क्या यहाँ से? देखो कैमरा, परेशान हो गई है भाई, उसका घूम गए। तुम लोग ने किसी को देखे इधर वो चोरी करके? कारपेट लेके गए, नहीं देखे, नहीं देखे लोग ने भी नहीं देखे। चलो चलो फटाफट चलो, फोन लेके गया है। अभी लोग बच्चे लोग ने भी नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखा भाई। कारपेट यहाँ चला गया भाई, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। कारपेट चोरी हो गया, इतना बड़ा कारपेट आपने देखी क्या किसी को? आप कब से खेल रहे नीचे? अभी आए, अभी आए यार। कारपेट घूम गए, देखो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? हंसी आएगी जब नहीं मिलेगा ना, समझ में आएगा। अभी तुमको क्या लग रहा है? मम्मा मजाक मस्ती लग रही है तुमको? कहाँ पर चला गया कारपेट यार? मेरे मजाक मस्ती नहीं लग रही, मतलब हंसी आ रही है मम्मा। किस चीज की हंसी आ रही है? कारपेट ये सब भूल गया यार, मुझे नहीं मालूम। अब तुम अपना कारपेट ढूंढो, कारपेट ही मेरा भूल हो गया। तो अपना कारपेट ढूंढो, मैं चला ऑफिस। अरे ये कैसी बात हो गई, मेरा कारपेट ढूंढ के जाओ। मैं कहाँ ढूंढू, ढूंढो तुम ही देखो। नहीं मेरा कारपेट ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ यार। अरे क्या तुम उसके एसी, तुमको एसी की पड़ी हुई है? बाप रे, हाँ पेट दुखने लग गया, मेरा कारपेट कहाँ है? कारपेट से और पेट से क्या भरा है? अरे मम्मा गाइस, मेरा अक्खा कारपेट, पूरा कारपेट इतना बड़ा, सबका सबका अक्खा ही घूमता है, किसी का कोई आधा काट के नहीं लेके जाता है, समझे? सबका अक्खा ही घूमता है। अरे लेकिन मेरा गाइस इतना बड़ा कारपेट, बताओ घर से चोरी हो गया है? हाँ एक मिनट रुक जा, हमारी अरे खुद इतना नाटक कर रहे, मेरा कारपेट घूम गया, मम्मा ढूंढो जाकर। अरे मैं कहाँ ढूंढू भाई, तुम का कैसा तुम उठे, तुमको कैसा मालूम पड़ा? मैं जैसा उठता वैसे ही उठा, बताओ पूरा कैसा उठे। अरे तू कैमरा पकड़, मैं बताता हूँ। गाइस बताइए, मेरा पूरा कारपेट घूम गया, अभी मैंने नए घर के लिए लाई। ऐसा उठ रहा हूँ मैं, यहाँ बैठा हूँ 15 मिनट से, मैं देखो आवाज दे रहा हूँ। मैं क्या कर रही थी? मिसबा नाश्ता दो, ऑफिस जाना है फटाफट एकदम। मैं जैसे ऐसा लेटा ना, मैं देखा दरवाजा खुला है, मैं बोला यार काम वाली आंटी तो आई नहीं, मैं बोला दरवाजा कैसा खुला है? यही कारपेट कोई ले जाता, वो क्यों ले गया यार? इसी में से दरवाजा बंद करने ही जा रहा था मिसबा, बोला कारपेट कारपेट कहाँ है? तो मैं तुमको आवाज दिया, और मैं तुम यकीन नहीं मानोगे, कारपेट घुमाना सबसे पहले मैं ऐसा करा, हे माँ मिसबा का क्या होगा आज? गाइज मैंने बहुत ही प्यार से और एकदम दिल से लेकर आई थी कारपेट, मेरा कारपेट चोरी हो गया, कुछ और ही चोरी हो जाता। अब बाकी सब चीजें एकदम बरोबर है, वो साइड पूरा जो सामान मैंने पैक करके रखा बरोबर है, ये देखो ये परफ्यूम मार रहे हैं, और मेरा कारपेट ही नहीं मिल रहा है। मम्मा प्लीज, मेरे को लगता है तुमको ढूंढना चाहिए कारपेट जाकर। कहाँ पर ढूंढोगे? ये खिड़की में जाकर देखो, ये खिड़की में देखो मम्मा, लो पकड़ो मैं देखती हूँ। तुम्हें ना कसम से यार, तुम ऐसा कोई लेके चले जाएगा, जान दो ना गरीब का भला होगा। तू ये तो पूरा गछड़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो तो बाहर गरीब का भला होगा, मेरा कारपेट मेरा सब कुछ गरीब का भला हो गया बोल रहे हो? मैं क्या बोलूँ अभी तेरे को यार, मेरे को ढूंढ के दो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा चल मैं तेरा कारपेट ढूंढ के दूंगा, तो मुझे क्या देगी? कुछ नहीं दूंगी। क्यों क्यों दूंगी मैं कुछ? कुछ तो देगी, एक तो कुछ खाए भी नहीं हूँ, मेरे को भूख कितनी लग रही है। अरे रे बाबा, यहाँ कारपेट घूम गया, इंसान को भूख लग रही है, हंसी आ रही है। हंसी आ रही है तो किसको आ रही है? तुमको, मेरे को कोई हंसी नहीं आ रही है। तुमको हंसी आ रही बहुत है, देखो अभी रोटी भूख लग गई। चल चलो मैं लाऊ, मैं जैम लगा के, चलो लो पकड़ो पकड़ो फटाफट पकड़ो। गाइस अनबिलीवेबल बात है ये कि मेरा कारपेट चोरी हो गया है और घूम गया है, मुझे नहीं लगा था कि कारपेट, और मैंने तो दरवाजा कोई खुला नहीं रख कर गई थी। मम्मा तुमने ही खुला रखे रहेंगे, रात में KFC तुमने ही निकाले थे। रात में KFC मैंने निकाला? हाँ KFC मैं ही निकालता हूँ, और मैकडोनल्ड तू निकालती? मैकडोनल्ड नहीं, तुमने गाइस क्या हुआ था ना, रात में 4:45 बजे मम्मा को भूख लगी, तो मैंने KFC ऑर्डर किया, मम्मा ने KFC ढेपा और मैंने भी ढेपा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि दरवाजा किसने खुला रखा। लेकिन गाइस हाँ KFC वाला आया था ना, तो मम्मा ने ही दरवाजा खोला था,
तो मुझे लगता है कि मम्मा ने ही दरवाजा खुला रखा रहेगा। मम्मा अगर मेरा कारपेट आज नहीं मिला ना मम्मा, तो तुम मेरे को नया कारपेट ला कर दोगे। अच्छा क्या होता है, मेरे को ब्लेम डाल में तुम्हारा रोटी और ये जैम बना के दे रहा हूँ ना। हाँ तो तुम खाओ, कारपेट तो नया दिलाना ही पड़ेगा अगर मेरा कारपेट नहीं मिलता है तो। हाँ नहीं तो तुम्हारा नूडल्स कैंसल। कौन सा नूडल्स? जो तुमने मेरे को ऑर्डर दियो कि मेरे को नूडल्स खाने का। मैंने नूडल्स, गाइस आप लोग को नूडल्स की रेसिपी मैं दूंगा आज। हाँ मस्त वाली रेसिपी और मुझे बहुत पसंद है यार, मिसबा जो बनाती है। चलो ये मिसबा का बन गया। ये मैं बचपन में लेके आया था टिफिन में, पागल दो यार। तो गाइस मिसबा ज्यादा रो दे या भूख से, मतलब कारपेट ना मिलने से घर का पूरा खाना खा ले, तो उससे पहले मैं मिसबा का कारपेट दे देता हूँ। और मुझे भी बहुत लेट होता है ऑफिस जाने के लिए, तो मैं मिसबा का कारपेट में छुपाया था। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, इसका कारपेट कहीं भी जाए इसका कुछ इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को लगा फर्क पड़ेगा, देखो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं जा रहा हूँ उसका कारपेट दे देता हूँ पहले जल्दी जल्दी से, नहीं तो मालूम पड़ा यहाँ से भी चोरी हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ है। तो मैं ले तेरा कारपेट ले ले, जरा भी खुश नहीं हो रही है। मैं 15 मिनट से मैं तेरे को बुला रहा था, 15 मिनट से। तू जब 15 मिनट से आई नहीं ना, मैं बोला आप कुछ करता हूँ, पर मुझे क्या पता था कारपेट घूमने की खुशी में तू खाना खाने लगेगी। टेंशन से भूख लगती है तो इतने और ज्यादा देखो टेंशन ना हो। और मेरे को ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो नया वाला डिजाइन वाला ले लूंगी। तो पैसा मैं नहीं देता था, पैसा तुमको ही दिलवाते। तो देखो मैं यही टेंशन में डर गया मेरा, देखो और ज्यादा टेंशन ना हो और घर का तू पूरा खाना खा ले और जो मैं नूडल्स मंगा रहा हूँ वो भी खा ले। तो इससे जब मैंने देखो पहले कारपेट दे दिया तो अभी ज्यादा खाना खाना नहीं, समझे? और तुम जिम जा रहे हो कि नहीं? या अल्लाह ये लड़की जिम कब जाएगी? खुद का जिम हो के जिम नहीं जाती है। वाह वाह, कारपेट बताओ पहले, सूत समेत वापस दियो कि नहीं? सूत समेत है वो, सूत और समेत साथ में। अच्छा फोल्ड करके रखो। हाँ तुम फोल्ड करके रखो, अभी कुछ नहीं फोल्ड होल्ड होएगा। हाँ हम दोनों चोरी हो जाएंगे, लोग आएंगे और हम लोग दोनों को चोरी करके यहाँ से लेके जाएंगे। ओके तो बस हो गया, तो मैं यहाँ वीडियो को बंद कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। ओके तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। छोटा सा प्रैंक था मिसबा के साथ, तो मैंने बस इसीलिए किया था कि मिसबा मेरी बात नहीं सुन रही थी। तो गाइस प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।